से हमारे चैनल में स्वागत है। आज जिस स्टॉक या जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है साइंट लिमिटेड। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। एक आईटी सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग की ज़बरदस्त कंपनी जिसके बारे में हम स्टॉक के बारे में बताएंगे आपको। तो वेबसाइट पे हम यहाँ पे विज़िट करते हैं उनकी, क्योंकि इस कंपनी को मैंने तो पूरी तरीके से जानने की कोशिश की और काफ़ी कुछ जानने को मिला, और जानने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर शेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा मोटा मोटी कि बेसिकली ये कंपनी का क्या काम है, किस किस इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, और जिन लोगों को भी रुचि हो, इंटरेस्ट हो इस स्टॉक में ख़रीदने की या इस कंपनी में निवेश करने की, तो ज़रूर इसकी वेबसाइट पर भी विज़िट करें, साइंट लिमिटेड, CYIENT लिमिटेड। मैं आगे बताऊंगा उसका एग्जैक्ट नाम, क्या प्राइस है, तो किस इंडस्ट्री में काम करती है पहले मैं बता दूं और किस चीज़ की कंपनी है। आइए, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ में आते हैं कि हैवी इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, नेविगेशन, पावर जनरेशन, सेमीकंडक्टर, माइनिंग। ये जो कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं, पार्ट्स दिखा रहे हैं, ये डिफेंस के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो एग्जैक्टली मैं आपको अगर बताने का एक बहुत सटीक अगर उदाहरण दूं कि ये कंपनी करती क्या है, ये एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और इनके पास आए, साइंट लिमिटेड के कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं इनके पास आए और आपने अपना आइडिया बताया कि हम एक ऐसी मोटर बाइक बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में चलने के साथ साथ वो आकाश में उड़ भी सके, तो जो आपका आइडिया है उसको एक ये आकार देंगे सॉफ्टवेयर का, फिर उसके बाद उसको हार्डवेयर में तब्दील करेंगे, मतलब उसको फिर बनाएंगे प्रॉपर, पहले सॉफ्टवेयर से तकनीकी से डिज़ाइन करेंगे, वेब डिज़ाइन, उसके बाद उसको एक रूप देंगे, जैसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं डिफेंस के या अलग अलग जंबो प्लेन्स होते हैं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री को भी डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं, और ये जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ये अपनी सोल्यूशन देते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं टेस्टिंग करते हैं, उनमें क्या खामियां हैं उनको दूर करते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी का काम है, आईटी से रिलेटेड है, और बस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अलग अलग सेक्टर्स में इनकी सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज देते हैं, इंटरनेट ऑन थिंग जो अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उस प्रोग्रामिंग को ये लोग उस सर्विस के तहत तब्दील करके अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको बता दिया है। साइंट लिमिटेड BSE थर्ड मई 2019 को इनका जो लास्ट ट्रेडिंग भाव था 583 रुपये, 10 रुपये 65 पैसे डाउन साइड थी, और जो 52-week लो बनाया था इन्होंने 570 का और हाई था 887 का, तो हाई से अपने काफ़ी नीचे है ये। आइए इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 6427 करोड़ का, करंट प्राइस ये ट्रेड कर रहा है 584, और बुक वैल्यू है 233 की। स्टॉक भी देखिए 13.35 के, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इंडस्ट्री से अब काफ़ी कम है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ROCE है 22.87 का, बहुत ही आकर्षित करता है। ROE है इसके 18.34% का, और सेल्स ग्रोथ इसकी जो है 12.68% की है, जो कि अट्रैक्टिव है। फेस वैल्यू 5 के है। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.56%, प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो 22.48%। हम अभी दिखाएंगे कि प्रमोटर्स ने कुछ थोड़ी सी होल्डिंग शायद इंक्रीज भी की है। पीयर कंपनीज में देखिए कौन कौन सी हैं, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक,
लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी, माइंड ट्री, हेक्सावेयर टेक, साइंट फिफ्थ नंबर पे है। और जहाँ पी देख लें हम इनकी, तो देखिए सबसे सस्ता साइंट का ही है। ये देखिए यहाँ पे मार्च 19 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं Q4 के, तो हम पहले क्वार्टर के भी देखेंगे और एनुअल भी यहाँ पे उपलब्ध हैं तो वो भी कंपेयर करेंगे। तो जहाँ दिसंबर 18 में इनकी जो सेल्स थी 1188 करोड़ की, वहीं मार्च 19 में 1163 के रह गए, थोड़ी सी डाउन साइड है। लेकिन मार्च 18 से अगर मार्च 19 में हम नेट सेल्स में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बढ़त है, क्योंकि मार्च 18 में 1062 की थी और 1163 की हो गई, तो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर देखते हैं तो जहाँ दिसंबर 18 में थी 174 करोड़ की, वहीं 167 करोड़ की रह गई मार्च 19 में। लेकिन अगर मार्च 18 में हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर पे तो 142 की जहाँ थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे 167 और अपसाइड है, ग्रोथ है। वही नेट प्रॉफिट में हम डायरेक्टली स्किप करके आते हैं तो जहाँ दिसंबर 18 में 92 करोड़ की थी नेट प्रॉफिट इनकी, वहीं 170 करोड़ की हो गई, और मार्च 18 में 118 करोड़ की थी, तो मार्च 18 के मुकाबले यहाँ पे मार्च 19 में नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी बहुत माइनर से 1 करोड़ की सॉरी 118 की थी, वहीं 170 की हो गई, तो नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर में भी ज़बरदस्त प्लस में है, काफ़ी परसेंट का उछाल है 92। तो जहाँ दिसंबर 18 में 92 की थी, वहीं 177 करोड़ की हो गई मार्च 19 में, बजाय 118 करोड़ जो मार्च 18 में थी ईयर ऑन ईयर पे, तो उसमें भी इन्होंने प्लस में है ग्रोथ पे। अब सबसे जो अच्छी चीज़ है इनके पास क्या है, अगर हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो जो इनके पास रिजर्व है, रिजर्व देखिए, रिजर्व में भी लगातार इनके पास ग्रोथ हुई है और इनके पास 2500 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। तो ये जो होती है रिजर्व, आप समझिए कि ये कंपनी चाहे तो कई कंपनियों को इनके मार्केट कैप का मैं उनको अधिग्रहण भी कर सकती है, एक्विजिशन भी कर सकती है, तो इनके पास काफ़ी अच्छा कैश है। तो बेसिक चीज़ें हमने इनका देख ही लिया, चार्ट पैटर्न भी डाउन साइड दिखा रहा पिछले एक साल में, तो अपने हाई से काफ़ी लो पे है। अब देखिए रिटर्न्स में, जहाँ 10 सालों में इन्होंने 731% के रिटर्न्स हैं इनके, 5 सालों में 93% के रिटर्न्स हैं और 4 सालों में 21% के, तो 5 सालों से बहुत खास रिटर्न नहीं है इसमें। 2 सालों में 7.42% के रिटर्न है, लेकिन एक साल से नेगेटिव में है, 3 मंथ्स में नेगेटिव, लेकिन 1 मंथ में और 1 वीक में थोड़ी सी अपसाइड ग्रीन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करीब 1% के आसपास 1 मंथ में और 1 वीक में 0.37% के, लेकिन 1 डे में लास्ट डे ट्रेडिंग के दिन 1.56% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अब शेयर होल्डिंग में, जहां दिसंबर 18 में 22.1% की थी, वहीं मार्च 19 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग हो गई 22.48% की, तो यहां पे 0.38% की इनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ये अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स, जहां 19 म्यूचुअल फंड्स ने पैसे 13.52% के हिसाब से होल्डिंग है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 139 है, 44.5% की होल्डिंग है इनकी, और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स खुदरा ग्राहक वो है 6.52% के हिसाब से। यहाँ पर देखिए लास्ट जो डिविडेंड पे किया था पिछले वर्ष इन्होंने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से 30 अक्टूबर 2018 को। तो फ्रेंड्स 1991 से ये काम कर रही है, और मुझे बताना था इस साइंट स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, और बेहतरीन कंपनी है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें आप अपने क्वालिफाइड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ उनसे ज़रूर मशवरा करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में। और दोस्तों मैं एक बात और करना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने हम फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।